कोविड महामारी में जहां सरकार व जिला प्रशासन तमाम हिदायतों की पालना करवाने में जुटे हैं, वहीं सहरसा शहर का एक सैलून कोविड महामारी में हिदायतों की पालना का संदेश दे रहा है। किसान चौक से दिल्ली बाईपास के बीच जीटीएम कॉलोनी में स्थित जेक्स सैलून ने एक अनूठी पहल की है, ताकि कोविड के इस दौर में उनका स्टाफ व आने वाले सभी ग्राहक सुरक्षित महसूस करें। सैलून में काम करने वाले सभी स्टाफ सदस्य पीपीई किट पहनकर ग्राहकों को सर्विस देते हैं और उसके बाद प्रयोग होने वाले सभी संसाधनों को बार बार सैनिटाइज किया जाता है। सैलून संचालक ने बताया कि कोविड महामारी के इस दौर में हमने सुरक्षा के बारे में विशेष तौर पर सोचा है। सैलून में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षित रहे और हमारे सैलून के स्टाफ सदस्य भी सुरक्षित रहें, इसके लिए हम सभी हिदायतों की पालना कर रहे हैं। सैलून में सभी स्टाफ सदस्य पीपीई किट पहनकर ही काम करते हैं, हर चीज़ को बार बार सैनिटाइज भी किया जाता है। एक्चुअली जो कि हालात हैं आज के टाइम में शहर के, जो ये महामारी है, इस बार जो सेकंड वेव आई है उसको देखते हुए जो भी क्लाइंट्स की जो सेफ्टी है उसको प्रायोरिटी तौर पे देखते हुए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरीके से उसको देखते हुए, हमने निर्णय लिया कि जो भी संभव प्रयास हमारे से किए जाएंगे उनकी सेफ्टी के लिए, वो सारे के सारे प्रयास मैं करूँगा। एक्चुअली आइडिया की बात नहीं है, एक सेफ्टी है और हमारे क्लाइंट्स की सेफ्टी से ऊपर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। और मैंने आज जैसे कि बताया कि उनकी सेफ्टी के लिए हमें जिस भी संभव प्रयास को करना पड़ेगा वो हम करेंगे, इसी प्रकार से हमें वो आइडिया आया। समस्या आती है बट जो शहर का प्यार है, जो स्पॉट है हमें इस दौरान भी, इस क्राइसिस के टाइम पीरियड में भी, तो इतना खास पता नहीं लगता। जो भी समस्या आती है उनका जो प्यार देख के वो चीज़ें सब कमी लगती हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। एक्चुअली हमारा जो सिनेरियो है वो है अपॉइंटमेंट सिस्टम बेसिस पे हम काम करते हैं, ताकि ज़्यादा क्राउड ना इकट्ठा हो यहाँ पे, ज़्यादा भीड़ ना इकट्ठी हो। तो मेरा सभी सलॉन्स वालों को यही कहना है कि आप भी इसी पोर्टफोलियो पे वर्किंग करें तो क्लाइंट्स के लिए बहुत सेफ रहता है, सारे स्टेशंस को सैनिटाइज करने का प्रॉपरली टाइम मिल जाता है। और दूसरी चीज़, अगर अपॉइंटमेंट बेसिस से क्लाइंट आता है और अपना टाइम पे समय पे काम करा के वो वापस चला जाता है, तो इससे उसका भी समय बचता है और वो सेफली अपना काम करा के जा सकता है। और दूसरी यही बात, जितने भी सेफ्टी मेजर्स हैं, थोड़ा सा इन चीज़ों को ना देखा जाए कि हम दुखी होंगे या कुछ होगा, बट हमारे लिए, हमारे क्लाइंट से बढ़ के, उसकी सेफ्टी से बढ़ के मुझे नहीं लगता कि कुछ भी और है। तो मेरा यही सबको यही सुझाव है कि आप सबको इन्हीं सब पोर्टफोलियोस पे काम करना चाहिए जो कि बेस्ट हैं अभी तक के लिए और सबसे ज़्यादा किफ़ायती हैं। एक्चुअली सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि टेम्परेचर चेक है ना, टेम्परेचर चेक हम लोग कर लेते हैं। हमारे जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं वो सबके सब वैक्सीनेटेड हैं इस टाइम पे। हम उनका हर वीकली उनका कोविड टेस्ट भी कराया जाता है, उनका डेली ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल भी टेस्ट किया जाता है। सेकेंडली जो भी स्टाफ के जितने भी मेंबर्स हैं, मॉर्निंग टू लेके इवनिंग तक जितने भी हेयरकट्स होते हैं उसके बाद मैंडेटरी उनके हैंड वॉश करवाए जाते हैं, सैनिटाइज करवाए जाते हैं, उनकी पीपी किट्स रेगुलर बेसिस पे सैनिटाइज की जाती हैं, ड्राई क्लीन की जाती हैं। इन्हीं सब छोटे छोटे मेजर्स को करके हम जितना पॉसिबल वेज हो सकते हैं वो सभी मेजर्स लेने की कोशिश करते हैं।